हमारे पास एक स्पेशल मेहमान है, श्री सूरज सिंह मल्होत्रा जी। पहले तो मैं नासिर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि हमारी ट्राइब बढ़ रही है। और ये वैसे ही एक साल के बाद मिल रहे हैं, तो कम से कम हम भी कह सकते हैं कि वी आर ट्राइंग टू कम बैक। लेकिन ये इट्स ए गुड इनिशिएटिव कि जितने ज़्यादा कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव या कौंसल्स यहाँ पे होंगे, उतना ज़्यादा हैदराबाद का नाम होगा, उतनी ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वो कंट्रीज़ में मिलेंगी। आज मेरे हिसाब से हर कंट्री को हिंदुस्तान की ज़रूरत है। अब ये देर आएँ या सवेर आएँ, लेकिन आना पड़ेगा। और हैदराबाद एक ऐसा जगह है, मैं कह सकता हूँ कि कई सालों के बाद हमको वो स्टेटस वापस मिल रहा है जो कभी आज से 20 साल पहले था। कोई भी आए, हैदराबाद आना ज़रूरी है। आई एम होपिंग कि ये दिन वापस आए। दिल्ली में कोई भी VIP आए, लेकिन हैदराबाद आए, इतने में ही बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। हमारे CM साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, KTR साहब भी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा सारी गवर्नमेंट ही मेहनत कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ की ज़रूरत है कि bilateral और इंटरनेशनल रिलेशनशिप, दे आर वर्किंग ऑन इट। अगर ये हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ यहाँ भी मिलेंगी और वहाँ भी मिलेंगी। तो वील बी हैविंग ए वेरी गुड रेपो। अब मेरे कोई पूछिए आप कजाकिस्तान जाने के लिए, मैं सोचता हूँ ठीक है जब जाएंगे। अब आज जाना रहे तो मैं एक फ़ोन कॉल अभी मैं बोलता हूँ बस जाना है तो हमारे साथ ही जाएंगे। वी कैन गो दैट वे। एनीबडी वांट्स टू कम टू लेसोथो, मोस्ट वेलकम। वी आर रेडी टू गो देयर एंड मीट देयर एंड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज। इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ वी टेक इट एंड हाउ वी गिव इट। अल्टीमेटली द होल पर्पज ऑफ दिस लाइफ इज गिविंग एंड टेकिंग ओनली। I am wishing all the best to Nasir bhai and to Kazakhstan as well. Thank you so much sir, bahut bahut shukriya.